वेलकम टू लबासना ड्रीम्स। आपका बहुत बहुत स्वागत है लबासना ड्रीम्स पे। सो फॉर आवर फर्स्ट वीडियो आई हैव चूजन द टॉपिक ई श्रम पोर्टल, जो कि अभी न्यूज़ में है। और उससे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप इस कोड को ढंग से पढ़िए, लिव फॉर योर ड्रीम एंड इट विल कम इन योर वे सून। मतलब अपने ड्रीम के लिए आप हमेशा काम करते रहिए, उसमें मेहनत करते रहिए, और वो ड्रीम जो है आपका वो ज़रूर जरूर आपके पास आएगा। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये टॉपिक न्यूज़ में क्यों है। तो न्यूज़ में रहने के लिए जो मेन बात है, उसको गवर्नमेंट ने आज लोगो अनवील करा है, ई श्रम पोर्टल का। तो दिमाग में सबसे पहले ये आता है कि ई श्रम पोर्टल है क्या। ये एक्चुअली एक नेशनल डेटाबेस है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए, जिस पोर्टल को वो 26 अगस्त को लॉन्च करने वाले हैं। अब अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स होते क्या है? अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, जैसे आपने अपने घर के पास देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो बिना काम के हैं, वो बैठ के इकट्ठा होके काम का वेट करते हैं कि कोई आएगा उनके काम देगा, और वो डेली वेज पे काम पे जाते हैं। तो ई श्रम पोर्टल एक्चुअली हेल्प कैसे करने वाला है? तो ई श्रम पोर्टल सबसे पहले आइडेंटिफाई करेगा कि अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स कौन है। उसका प्रोसेस मैं आपको आगे बताऊंगा। तो एक्चुअली जो ई श्रम पोर्टल पे जो लोग रजिस्टर करेंगे, वो श्रम योगीज बोले जाते हैं। श्रम योगीज मतलब नेशन बिल्डर्स, क्योंकि जितने भी वर्कर्स होते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं, वो असलियत में नेशन को बिल्ड करते हैं, तो इसीलिए उनको नेशन बिल्डर्स भी बोला जाता है। तो जो ई श्रम पोर्टल है वो क्या करेगा कि इन सारे वर्कर्स के लिए बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट लेकर आती है, बट ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस, ये जितने भी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, ये सारी इन वर्कर्स तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो इन वर्कर्स तक ये स्कीम्स उनके डोर स्टेप पे पहुंचे, इसके लिए गवर्नमेंट ने ई श्रम पोर्टल को लॉन्च किया है। तो ये जो है, ये आज इन्होंने ई श्रम पोर्टल का लोगो अनवील करा है। तो ई श्रम पोर्टल का लोगो जो है वो भूपेंद्र यादव ने करा है। तो ये आपके लिए तरह से एसएससी पॉइंटर हो सकता है कि ई श्रम पोर्टल किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा है। तो मिनिस्ट्री का नाम हो जाएगा मिनिस्ट्री फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, और उसके हेड कौन है? वो है श्री भूपेंद्र यादव। तो इसी के लिए, इसी पोर्टल के साथ, इसी लोगों के साथ एक टोल फ्री नंबर भी लॉन्च किया गया है, 1-44-34। ये पोर्टल उन वर्कर्स को हेल्प करेगा जो इस पे रजिस्टर करना चाहते हैं, और उनको बिकॉज ऑफ टेक्निकल थिंग्स उनको रजिस्टर करने में प्रॉब्लम आ रही है। सो ये पोर्टल इसी को इंश्योर करेगा। तो हम अब ये जानेंगे कि सबसे पहले कि इस पोर्टल से किस किस को बेनिफिट मिलने वाला है। तो लाइक कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, माइग्रेंट वर्कर्स, गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स, डोमेस्टिक वर्कर्स, अनऑर्गेनाइज वर्कर्स। अब ये जो अनऑर्गेनाइज वर्कर्स हैं, ये भी एक काफ़ी वो ट्रेंड का टॉपिक है, क्योंकि अनऑर्गेनाइज वर्कर्स को हम क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं। तो इसी चीज़ के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है कि जितने भी वर्कर्स हैं, वो अपने आप को अपनी कैटेगरी के हिसाब से वो अपने आप को इस पोर्टल में रजिस्टर करेंगे। तो अब ये पोर्टल बेसिकली जो स्कीम्स गवर्नमेंट इन सब के लिए लेके आती है, उनकी करेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये बनाया गया है। तो ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए लेके आती है, जैसे नेशनल पेंशन स्कीम फॉर ट्रेडर्स एंड द सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, प्रधानमंत्री श्रम योग मानधन योजना, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, गरीब कल्याण रोजगार योजना, निर्भर कामगार आवास सहायता योजना। तो इस तरह की बहुत सारी स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट लेकर आती है, बट ये एक छुपाया हुआ फैक्ट नहीं है कि इन वर्कर्स तक वो नहीं पहुंच पाती, क्योंकि ये लोग बहुत ही ज़्यादा धक्के खा रहे हैं। तुम अपने घर के बाहर निकल कर देखना, तुम्हें एनालाइज हो जाएगा कि ये असलियत में प्रॉब्लम है क्या, क्योंकि इन लोगों के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, और ये लोग ज़्यादा एजुकेटेड भी नहीं है जिस वजह से ये स्कीम्स को अवेल कर सके। तो इसी के लिए ये पोर्टल बनाया है। तो अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पोर्टल काम कैसे। सबसे पहले जो वर्कर होगा, उसको अपने आप को अप्लाई करना होगा, और ये जो एप्लीकेशन है, रजिस्ट्रेशन है, ये 26 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। आफ्टर द रजिस्ट्रेशन, जो वो आधार कार्ड से कर सकता है, एक ई श्रम कार्ड दिया जाएगा उस बंदे को, और उस कार्ड के थ्रू एक 12-डिजिट यूनिक कोड भी जनरेट होगा।
अब वो कोड इस कार्ड के ऊपर होगा जिससे वो एक तरह से उसकी आइडेंटिटी बन जाएगी और वो रजिस्टर हो जाएगा गवर्नमेंट के डेटाबेस में। ये नेशनल डेटाबेस है और ये नेशनल डेटाबेस का जो डेटा है वो स्टेट वाइज बांट कर जितनी स्टेट गवर्नमेंट्स है उनको दिया जाएगा, क्योंकि हमें पता है इंडिया एक फेडरल स्ट्रक्चर है और फेडरल स्ट्रक्चर की जो सही वर्किंग है वो तभी पॉसिबल है जब सेंटर और स्टेट मिलकर काम करें। तो इस जितनी भी स्कीम्स हैं उनके करेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए सेंटर को नेशनल डेटाबेस बना रहा है और उस नेशनल डेटाबेस का डेटा वो स्टेट्स को देगा और स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट्स को। इसी तरह से जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसमें ये काम पॉसिबल करने के लिए बात की गई है। बट प्रॉब्लम पहले स्कीम्स के इन्वॉल्वमेंट में ये आती थी कि काफ़ी सारी स्कीम्स हैं जो एजुकेटेड पर्सन हैं वो अवेल कर सकते हैं, बट जो अनएजुकेटेड सेक्टर है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जिसके पास इतनी फैसिलिटीज नहीं है और उनके डोर स्टेप तक मतलब गवर्नमेंट को भी इसके बारे में नहीं पता कि कौन कौन अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आता है, तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने ये पोर्टल बनाया। तो जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो भी यही रखा गया है कि द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द मूव इज इंटीग्रेशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट, इंटीग्रेशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, जितनी भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, क्योंकि एक गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने यहाँ के जो वर्कर्स हैं उनकी भी सिक्योरिटी रखे, क्योंकि जो जनता है उसके अंदर ये वर्कर्स भी आते हैं, इन वर्कर्स का भी वोट काउंट होता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये इनके लिए भी सोशल सिक्योरिटी बना के रखे और जितनी भी स्कीम्स हैं उनको एक जगह इंटीग्रेट करके स्कीम के इस पोर्टल के थ्रू इंप्लीमेंट किया जाएगा। सो दैट्स फॉर द वीडियो अबाउट द पोर्टल एंड नाउ दिस इज द क्वेश्चन फॉर द डे। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है कि जो लेबर मिनिस्टर थे फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया के वो कौन थे, यशवंत राव, बलवंत राव चव्हाण, जगजीवन राम, कैलाश नाथ गडजू, भगवंत राव मंडोर। तो आपको बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर कि इन चारों में से जो फर्स्ट लेबर मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, जिसको हम फेमसली नेहरूज कैबिनेट भी बोलते हैं, वो कौन थे। सो दिस वॉज लवासराज ड्रीम्स। आई एम अनोनिमस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।